क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उकलाना मंडी केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने हल्का उकलाना के भाजपा वर्करों से अपील की कि वे भारी संख्या में 20 तारीख को हिसार पहुंचकर ब्रिजेंद्र का नामांकन जमा करवाएं और पूरे लोकसभा क्षेत्र से 1,00,000 की संख्या में जुटकर उसी दिन जीत का मुहर लगाने का काम करें। बीरेंद्र सिंह ने आयोजित पात्रा प्रमुख के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, प्रांतीय नेता श्रीनिवास गोयल, लोकसभा प्रभारी वीर कुमार यादव, सुरेंद्र पुनिया, सीमा गेबीपू व आशा रानी ने भी विचार व्यक्त किए। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश का मतदाता देश का हित सोच रहा है और देश सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। आज राजनीति से जाति पाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रवाद के मुद्दे गायब हो चुके हैं तो इसका श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री को जाता है। और मजबूत राजनीति के लोगों की जरूरत है जो प्रजातांत्रिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में मूल्यों की राजनीति कर सके, मान्यताओं की राजनीति कर सके और स्वच्छ और सुथरी राजनीति कर सके। मोदी जी का ये प्रयास था और मैंने जैसे अभी मैंने बताया कि हमने कोई 457 के करीब सीटों का वितरण किया है, उसमें देश भर में बहुत से ऐसे युवा प्रतिभाएं हैं, चाहे वो किसी तरीके के हों, चाहे स्पोर्ट्स से हों, चाहे कलाकार हों, चाहे बहुत बड़े सोच के कृषि के बारे में कृषि के अर्थशास्त्री हों और चाहे सिविल सेवाओं में जो लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने प्राथमिकता दी है हमारी पार्टी ने और उससे सिस्टम भी बदलता है। अब आपको याद दिलाऊं, एक हमारे मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था आज से कोई 1.5 साल पहले, उसमें 4 मंत्री हमने ऐसे बनाए थे जो हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन एक IAS अफसर था, एक IPS अफसर था, एक IFS का था, आपने मिस्टर पुरी जो है डिप्लोमेट है IFS के, तो ऐसे लोगों को हम इसलिए लेके आए थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक जो चाल है उसमें चुस्ती आए, क्योंकि कई चीज़ें विकास की जब अड़चन पैदा होती है तो वो ये चीज़ें जो हमारी पुरानी दकियानुसी प्रक्रिया है, फाइल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उससे प्रगति में ब्रेक लगती है। उस ब्रेक को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने उस टाइम 4 मंत्रियों को लिया और आज तो बड़ी संख्या में हमने ऐसे उम्मीदवार उठाए हैं। तो मेरा बेटा उस कड़ी में ही है और मुझे उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उससे आशाएं रखी हैं वो उस पर पूरा उतरे और हमारे लोकसभा की जनता उसको अपना आशीर्वाद दे। ब्रिजेंद्र सिंह जी की VRS को लेकर के कोई पेंच फंसा हुआ बता रहे हैं, 21 वर्ष से पेंच नहीं, मेरी अभी मैं जब उठ के गया था बाहर तो अभी मेरे को सूचना मिली है कि सब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, कल आदमपुरा के दौरान 20 तारीख को नामांकन। हिसार से अमित वर्मा की एक रिपोर्ट।